एक बार फिर से खालिस्तान की मांग जोर पकड़ रही है। खालिस्तान समर्थक लगातार हिंसक प्रदर्शन पर उतारू हैं। वारिस पंजाब के संगठन का मुखिया अमृतपाल सिंह की गतिविधियों, उसके बयानों ने फिर से साग को हवा दे दी है। 1984 में खालिस्तान मूवमेंट की आग ने पूरे पंजाब को बर्बाद कर कर रख दिया, जिसे बुझाने में पंजाब के कई दशक खर्च हो गए। इसके बाद भी आग रह रह कर अपना सिर उठाती रहती है, कभी भारत में, कभी भारत से बाहर। क्या है खालिस्तान, क्या है इस आंदोलन की पूरी कहानी, चलिए समझते हैं। खालिस्तान क्या है, ये समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1929 से। लाहौर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। कांग्रेस की इस मांग का तीन समूहों ने विरोध किया। पहला मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग, दूसरा भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाला दलित समूह और तीसरा मास्टर तारा सिंह का शिरोमणि अकाली दल। 1920 में बना ये संगठन खुद को सिखों का प्रतिनिधि मानता था। इसकी सोच थी कि सिखों का अपना अलग एक देश होना चाहिए और यही से मांग उठी अलग सिख देश की। आजादी तो हमारे देश को मिल गई, लेकिन बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग देश बना, पंजाब भी दो टुकड़ों में बट गया, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास और दूसरा हिस्सा भारत के पास। आजादी के साथ ही यानी 1947 से ही अलग सिख राज बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी थी और इसी वक्त पंजाबी सूबा आंदोलन भी जोर पकड़ने लगा। 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बना दिया गया, फिर तो आंदोलन को और भी ज्यादा हवा मिली। 1966 में इंदिरा गांधी ने इसे मान लिया, पंजाब तीन हिस्सों में बटा, सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा बना चंडीगढ़। अब सवाल ये उठता है कि इन सब के बीच खालिस्तान की मांग पहली बार कहां से उठी। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा देश के बाहर। 13 अक्टूबर 1971 की बात है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक विज्ञापन छपता है। इस विज्ञापन में खालिस्तान नाम के एक नए देश की घोषणा की गई और दुनिया भर में रहने वाले सिखों से मदद देने को कहा गया। इस विज्ञापन को छपवाने वाले शख्स का नाम था जगजीत सिंह चौहान। जगजीत एक समय में पंजाब विधानसभा का डेप्यूटी स्पीकर रह चुका है। 1969 में चुनाव हारने के बाद वो ब्रिटेन गया और यहाँ उसने खालिस्तान के समर्थन में एक अभियान चलाना शुरू किया। खालिस्तान का मतलब होता है शुद्ध स्थान, जैसे खालिस घी खालिस दूध, बिल्कुल वैसे। जगजीत सिंह जिस खालिस्तान की मांग कर रहा था उसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान के भी कुछ हिस्से आते थे। ब्रिटेन में जगजीत की मुहिम को कोई खास समर्थन नहीं मिला और इसी बीच 1971 का युद्ध हुआ। पाकिस्तान ने इस युद्ध में खालिस्तान आंदोलन को खूब हवा देने की कोशिश की। जगजीत सिंह को पाकिस्तान आने का निमंत्रण भी मिला। यहाँ उसने फिर से खालिस्तान की बात की, जिसे पाकिस्तान की प्रेस ने खूब जोर शोर से उछाला। इधर पंजाब में खूब उठापटक चल रही थी। 80 के दशक में पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। इन सब के लिए भिंडरांवाले को जिम्मेदार ठहराया गया। भिंडरांवाले को पकड़ने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। भीषण खून खराबा हुआ और 6 जून को भिंडरांवाले को मार गिराया गया। इस तरह भारत में खालिस्तान आंदोलन लगभग खत्म होता गया, लेकिन जगजीत की लगाई आग विदेशों में खूब फली फूली। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए खालिस्तानी एलिमेंट को भड़काती रहती है। ये खालिस्तानी समर्थक पाकिस्तान के लाहौर में, उधर कनाडा और ब्रिटेन में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। विदेशों में खालिस्तानी कमांडो फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स जैसे कई संगठन खड़े हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर को आतंकी संगठनों का दर्जा दिया गया है। ये संगठन लगातार विदेशों में इस मुद्दे को उठाते रहे, जिसके चलते खालिस्तान की आग 21वीं सदी में पूरी तरह बुझ नहीं पाई और फिलहाल पंजाब में जो स्थिति बनी हुई है उससे आप सभी भली भांति वाकिफ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।